गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो आज दिल्ली के लोधी गार्डन में हमारी मौजूदगी और यहीं से आपको हर खबर बताने के लिए हम हाजिर हैं। तो पहले फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, उसके बाद फ्रेश एंड फास्ट में तमाम आज की बड़ी खबरें आगे हम आपके सामने रखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को घेरने में पूरी तरह से लगी हुई है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का गढ़ ढहाने के लिए भी पूरी ताकत झोंकी जा रही है। जी, समाजवादी पार्टी के गढ़ बैनपुरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को लेकर के ऐसा दावा किया है, सनसनीखेज दावा किया है, जिसको लेकर के अब ये सवाल उठ रहा है कि इस पर चाचा और भतीजा क्या जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सूबे में हाई वोल्टेज सियासत हो रही है। यूपी के दो लड़के क्या उपचुनाव में साथ आएंगे, इस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में मंथन चल रहा है। लेकिन इन दो लड़कों की जोड़ी में से एक लड़के पर योगी आदित्यनाथ लगातार तीखा हमला कर रहे हैं। अराजकता और गुंडागिरी इनके डीएनए का हिस्सा है। कारनामा वही है जो अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा किया गया था। इनके घिनौने कृत्य वही है जो लखनऊ में एक बेटी को कैसे इन लोगों के द्वारा गिराया जाता है, ये इनका चेहरा है। और इनके वास्तविक कारनामे देखने हो तो कन्नौज में घटित घटना और नवाब ब्रांड, ये समाजवादी पार्टी का वास्तविक चेहरा है। सीएम योगी समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी के करहल में हुंकार भर रहे थे। समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडागर्दी का आरोप लगाया, तो वहीं नवाब ब्रांड को अखिलेश की पार्टी का वास्तविक चेहरा बताया। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर तोहमतों की बौछार कर दी। उन्होंने कहा, सपाइयों ने सामाजिक ताने बाने को छिन भिन किया, गरीबों के विकास की धनराशि में लूट खसोट की और युवाओं की नौकरियों में डकैती डाली। इस दौरान सीएम योगी ने अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव पर सनसनीखेज दावा भी कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि नौकरी की नीलामी वसूली में चाचा और भतीजा बराबर हिस्सेदार थे। जब इनको लगा कि यूपी सुरक्षित नहीं रहा, तब इन्होंने अपने लिए दुनिया के अलग अलग देशों में द्वीप खरीद लिए होंगे। इनको मैनपुरी की चिंता नहीं थी, इनको इटावा की चिंता नहीं थी, इनको स्वयं की चिंता थी। इसीलिए जब उनको लगा कि अब उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं रहा, तो इन लोगों ने तो अपने लिए दुनिया के अलग अलग देशों में द्वीप खरीद लिए होंगे। चाचा भतीजे को लेकर सीएम योगी के इस दावे से उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल मच सकती है। अब खबर हरियाणा से आपको बताते हैं, जहां पर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सवालों के घेरे में है, क्योंकि मोस्ट वांटेड आतंकी गोली बरार के नजदीकी गोकुल सेतिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस विरोधियों के निशाने पर आ चुकी है। और विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री हो गई है। इस तस्वीर ने हरियाणा की सियासत को गर्मा दिया है। मोस्ट वांटेड आतंकी गोल्डी बड़ार के नजदीकी गोकुल सेतिया के कांग्रेस में शामिल होते ही लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या कांग्रेस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री हो गई है। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया की मौजूदगी में गोकुल सेतिया ने जैसे ही कांग्रेस की सदस्यता ली, लॉरेंस बिश्नोई के खास गैंगस्टर गोल्डी बड़ार के साथ वाली तस्वीरें भी वायरल होने लगी। गोल्डी के साथ गोकुल सेतिया के 5 फोटो वायरल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, ड्रग तस्करी में अमेरिकी जेल में बंद सनी मुल्तानी भी गोकुल के साथ वायरल फोटो में दिखाई दे रहा है। जिस गोल्डी बड़ार के साथ सेतिया के फोटो वायरल हो रहे हैं, वो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का मास्टरमाइंड है। गोल्डी बड़ार ने सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की जिम्मेदारी ली थी। सरकार गोल्डी बड़ार को आतंकी भी घोषित कर चुकी है। गोकुल सेतिया के कांग्रेस की सदस्यता लेने से सिद्धू मूसेवाला के फैंस में आक्रोश नजर आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन रखने वाले गोकुल सेतिया की कांग्रेस में एंट्री पर लोग सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सिद्धू मूसेवाला के फैंस का कहना है कि मूसेवाला के हथियारों से संबंध रखने वाले को कांग्रेस में जगह देना सही नहीं है।
वहीं विरोधी पार्टियों ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप लगा रही हैं कि हरियाणा में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गुट की कांग्रेस में एंट्री हो गई है। विपक्ष के इन आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इन फोटोज के वायरल होते ही गोकुल सेतिया ने सिरसा के विधायक गोपाल कांडा पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। सेतिया ने कहा कि टिकट कटवाने के लिए सब किया जा रहा है, गोल्डी बड़ार के संग कॉलेज में साथ पढ़े हैं, उससे अब कोई लिंक नहीं है। वो मेरी अब से 10-15 साल पुरानी फोटोज जो कि गोल्डी बराड के साथ, अमनदीप मुल्तानी के साथ कॉलेज टाइम की जो मेरी फोटोज थी, उनको ये लोग वायरल कर रहे हैं अपने हरियाणा न्यूज चैनल पे। अब कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया हमारा मित्र, कोई बाहर चला गया, कोई अपनी फार्मिंग संभाल रहा है, कोई सरकारी जॉब लग गया, कोई बिजनेसमैन बन गया, कोई गैंगस्टर बन गया। तो आज जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 10 साल बाद उनके साथी क्या बन जाएंगे, किसी को पता होता है? और मेरी किसी के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट हो किसी प्रकार की तो बताएं। बताया जा रहा है कि गोकुल सेतिया को कांग्रेस सिरसा से विधानसभा उम्मीदवार बना सकती है। सेतिया के बारे में कहा जाता है कि वो बम्बिया गैंग के निशाने पर है। बम्बिया गैंग ने सिद्धू मूसेवाला के कातिलों से बदला लेने का ऐलान किया था। बम्बिया गैंग ने गोल्डी बड़ार को जान से मारने की धमकी दे रखी है। गोकुल सेतिया को भी बम्बिया गैंग से धमकी मिली थी। इसके पीछे की वजह उसके लॉरेंस बिश्नोई से ताल्लुकात हैं। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से हंगामा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। जो हंगामे होने के आसार हैं, एलजी के आदेश पर पीठासीन अधिकारी घोषित किए गए। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर के विवाद और ज्यादा बढ़ चुका है। मेयर ने नहीं घोषित किए थे पीठासीन अधिकारी, नामांकन के लिए कम समय देने से मेयर नाराज थी। एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर टकराव बढ़ चुका है और ऐसे में देखना होगा कि कैसा हंगामा नजर आता है, क्योंकि एलजी के आदेश पर पीठासीन अधिकारी घोषित किए गए थे। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर विवाद और बढ़ता हुआ इसी के साथ ही नजर आ रहा है, क्योंकि मेयर ने पीठासीन अधिकारी नहीं घोषित किया था और ऐसे में नामांकन के लिए कम समय देने से मेयर नाराज थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर टकराव बढ़ चुका है। आज ही होंगे एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव। अगली बड़ी खबर भी राजधानी दिल्ली से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर गोविंदपुरी में जबरदस्त बवाल और हंगामा देखने को मिला। दरअसल 5 साल के बच्चे की किडनैपिंग को लेकर के ये बवाल हुआ और बच्चे के यौन शोषण का भी आरोप लगा, जिसके बाद वहाँ जबरदस्त बवाल मचा। यहाँ तक कि पुलिस फोर्स भी वहाँ पर बुलानी पड़ी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोविंदपुरी में 5 साल के बच्चे की किडनैपिंग और मासूम से यौन शोषण का आरोप है। गुस्साई भीड़ ने जाम लगाकर नारेबाजी की, सड़क जाम कर दिया। पुलिस को बुलाने पर अर्धसैनिक बलों के जवान आरोपी अरेस्ट कर लिया गया है। पॉक्सो और अपहरण का केस दर्ज किया गया है उसके खिलाफ। एसीपी से भी मिलकर आए हैं और साथ साथ हम जब ये जब हम थाने गए और जब हम थाने गए तो उस समय केस सेक्शन में पॉक्सो में दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन हम थाने पहुंचे, हमने एसएचओ से एसीपी से सबसे बात की, बाहर पब्लिक बहुत बड़ी संख्या में थी। उसके बाद पॉक्सो के सेक्शन में केस दर्ज हुआ, किडनैपिंग में दर्ज हुआ और निश्चित रूप से जो ये सेक्शंस लगे हैं इसके अंदर मृत्युदंड भी है और आजीवन कारावास भी है। तो मैक्सिमम सेक्शंस के अंदर केस दर्ज करवाया, जनता का प्रेशर भी रहा, इनका परिवार भी रहा, हम भी पहुंचे और निश्चित रूप से केस सही दर्ज हो गया है। और साथ साथ ये मैं कहना चाहता हूँ, बहुत गलत काम हुआ है, इसमें इतनी जबरदस्त सजा होनी चाहिए कि मिसाल बने, दोबारा कोई ऐसा बच्चे की तरफ नजर उठा के ना देख सके। और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस लगातार पूरा जोर लगा रही है। आज राहुल गांधी का स्टार प्रचार शुरू होने वाला है, जहां राहुल गांधी कांग्रेस के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। जी, राहुल गांधी आज कश्मीर के बनिहाल में होंगे। दोपहर 12 बजे से डूरू में दोपहर 2 बजे रैली करेंगे। मोदी के चुनाव प्रचार की शुरुआत अगले सप्ताह से जम्मू कश्मीर में 3 रैलियां होंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आज से कांग्रेस का स्टार प्रचार शुरू हो रहा है, जहां राहुल गांधी आज कश्मीर में दोपहर 12 बजे बनिहाल में मौजूद होंगे और डूरू में दोपहर 2 बजे रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार की शुरुआत अगले सप्ताह से जम्मू कश्मीर में 3 रैलियों के साथ होगी, जहां जम्मू में 2 और कश्मीर घाटी में 1 रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और उनके प्रचार की शुरुआत डोडा से हो सकती है, लेकिन आज राहुल गांधी वहां मौजूद रहने वाले हैं।
तो बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में आज से कांग्रेस का स्टार प्रचार शुरू होने वाला है। राहुल गांधी कांग्रेस के प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं और आज कश्मीर के बनिहाल में राहुल गांधी की मौजूदगी होगी दोपहर 12 बजे और डूरू में दोपहर 2 बजे राहुल गांधी की रैली होने वाली है। साथ ही बीजेपी की बात करें तो यहां पर मोदी के चुनाव प्रचार की शुरुआत अगले हफ्ते से होगी। जम्मू कश्मीर में 3 रैलियां संभावित है प्रधानमंत्री की, जम्मू क्षेत्र में 2 और कश्मीर घाटी में 1 रैली पीएम मोदी करने वाले हैं। है जिसमें आदमखोर भेड़िए की वजह से 50 गांव इस वक्त खौफ में सोने को मजबूर हैं। 35 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों को बाहर जाने की या बाहर सोने की इजाजत तक नहीं। लेकिन रात की बात अब ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन भेड़ियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का साफ साफ फरमान सुना दिया है। नरभक्षी भेड़ियों के आतंक से उत्तर प्रदेश का बहराइच जल्द मुक्त होगा। रात में घात करने वाले बहराइच के आदमखोर भेड़िए अब नहीं बचेंगे। भेड़ियों से निजात पाने के लिए फाइनल एक्शन प्लान पर काम शुरू हो चुका है। आदमखोर भेड़ियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के ऑर्डर आ चुके हैं और प्रभावित इलाकों में शूटर भी तैनात कर दिए गए हैं। आदमखोर भेड़ियों से प्रभावित इलाकों को 4 सेक्टर्स में बांटा गया है। हर सेक्टर में वन विभाग की टीम को तैनात किया गया है जो इलाके में गश्त करेगी। 2 रेंजर्स की टीम को भेड़ियों को ट्रैंक्विलाइज करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस टीम में कुल 10 लोग हैं और इस टीम का मूवमेंट रात में भी होगा। अगर भेड़िए ट्रैंक्विलाइज नहीं किए गए तो उन्हें मारने के भी आदेश दे दिए गए हैं। शासन तो कह रखा है स्थिति गोली मारने का आती है तो गोली भी मारी जाए, ऐसा नहीं आदेश है ऐसा जी। अगर स्थिति आती है गोली मारे जाने की तो बड़ा लंबा इंतजार क्यों कर रहे हैं, फिर मारना चाहिए। नहीं तो सवाल सामने पड़े तो ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ट्रेस नहीं, ट्रेस कैमरे में हो रहा है लेकिन सामने ट्रेस नहीं हो पा रहा है। बड़ी बात ये कह रहे हैं कि ड्रोन कैमरे से तो हम ट्रेस कर पा रहे हैं उसको, लेकिन आमने सामने उसको नहीं देख पा रहे हैं, आंखों से ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए जो है उस तक नहीं पहुंच पा रहे। हालांकि दोनों एक्सपर्ट का मानना है कि जिस तरह से वन विभाग प्रयास कर रहा है, उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जो है दोनों भेड़िए, जो दोनों आदमखोर भेड़िए हैं, वो वन विभाग के अधिकारियों के शिकंजे में होंगे। जल्द उन तक जो है वो टीमें जो है पहुंचेंगी। बहराइच जिले के महसी तहसील क्षेत्र के 50 गांवों में बीते 54 दिनों से भेड़ियों का आतंक कायम है। भेड़ियों के हमले में अकेले बहराइच में 9 बच्चों समेत कुल 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 37 से अधिक लोग भेड़ियों के हमले में घायल हो चुके हैं। पड़ोसी जिले सीतापुर में भी 1 की जान गई है। भेड़िया अक्सर रात में ही हमला कर रहे हैं और दिन में गायब हो जाते हैं। कछार के 50 गांव में भेड़ियों के हमले से दहशत का माहौल है। भेड़िए का आतंक 1-2 गांव में नहीं है, 1-2 किलोमीटर तक नहीं है, ये जो पूरा एरिया है, ये कहा जा रहा है कि करीब 45 से 50 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में ही भेड़िए का आतंक है, भेड़िए का खौफ है। और इसीलिए ऑपरेशन चलने के बावजूद भी अब तक उस तरह की कामयाबी नहीं मिल पाई है जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि हमले लगातार हो रहे हैं। आपको दिखाएं, इस वक्त हम घाघरा नदी के में है और ये एक बोट पर, हम इस वक्त नाव पर है और ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं इसे वेटलैंड कहा जाता है, जो किनारे का हिस्सा है, कछार जिसे कहते हैं आम भाषा में लोग। बड़ी संख्या में आबादी यहाँ पे रहती है, करीब 80 से 90 हजार लोग इन गांव में रहते हैं। 35 से 40 गांव हैं जो इन किनारों पर है और इन किनारों पर होने की वजह से ही यहाँ खतरा जो है वो बहुत ज्यादा है। बहराइच के मामले में भी सामने आया कि भेड़ियों ने जितने लोगों पर हमला किया ज्यादातर रात में ही किया, लेकिन रात के वक्त प्रभावित गाँव में बिजली कटने से लोग परेशान ही नहीं भयभीत भी है। उन्हें अपने परिवार खासकर छोटे बच्चों की सुरक्षा की फिक्र सता रही है। असल लाइट की व्यवस्था यहाँ नहीं है, बहुत अंधेरा रहता है। हाँ, मैं देख रहा हूँ लाइट अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा गांव में। तो लाइट रोज कट जा रही है क्या? डेली कट जाती है, डेली कट जाती है। कट जाती है, रात को नहीं होती लाइट? नहीं, रात को तो होना चाहिए, लेकिन ना रात को 12 बजे आ जाती है, 11 बजे आ जाती है और इतनी टाइम बंद रहती है। तो ये कह रहे कि रात को 11 बजे 12 बजे लाइट आती है और शाम के वक्त अक्सर लाइट जो है नहीं होती है, दिक्कतें हो रही है। चूंकि बहराइच में भेड़ियों के निशाने पर ज्यादातर बच्चे ही रहे, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने इसके पीछे की वजह बताई कि भेड़िया बहुत चालाक है और वो शिकार के लिए पहले रेकी करता है, बच्चे को ऑब्जर्व करता है, उसके बाद ही वो हमला करता है। यहाँ तक कि वो शिकार अगर आहट है कि बच्चा इसमें है तो वो बैठ जाएंगे, कभी खुंडी रात में खुलेगी तो घुस के उठा ले जाएंगे, इतना चतुर और चालाक होते हैं।
करीब 2 महीने से भेड़िये कछार के गांव में आतंक मचा रहे हैं। घरों में घुसकर बच्चों और बुजुर्गों का शिकार कर रहे हैं। वन विभाग ने 4 भेड़ियों को पकड़ तो लिया, लेकिन भेड़ियों का हमला थम नहीं रहा है। भेड़ियों के आगे वन विभाग की टीम घुटने टेकते दिख रही है, जिससे यहाँ के लोग अब निराश हो चले हैं। एक लंबा वक्त गुजर गया, इस एरिया में लगातार अभी भी भेड़िये का खौफ बना हुआ है, जैसा कि लोग दावा कर रहे हैं। कुछ घंटे पहले भी पास के गांव में भेड़िये की आने की शोर मचा था, हालांकि उसके बाद वहां वन विभाग की टीम भी पहुंची थी, लेकिन कुछ मिला नहीं। अब इसीलिए लोगों का भरोसा धीरे धीरे टूट रहा है, और शायद यही वजह है कि लोगों में अब निराशा भी आ रही है। बहराइच में खौफ के साए में जी रहे इन लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है, क्योंकि अगर ये नरभक्षी पकड़े नहीं गए तो अब इन्हें मारने की भी तैयारी हो चुकी है। और आदमखोरों का आतंक सिर्फ बहराइच में नहीं, उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में भी जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। सुल्तानपुर में खूनी सियार ने मां के साथ सो रही छोटी सी बच्ची को उठाकर वो ले गया और उसकी जान ले ली। जी हाँ, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ के सरीला वनरेज के अंतर्गत आने वाले बिलपुगर गांव में मंगलवार की सुबह सियार के हमले में 2 वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए। यहाँ पर गांव वालों ने हमला करने वाले सियार को घेर लिया और लाठियों से पीट पीट कर उसे मार डाला। श्रावस्ती में भी कई जगह जंगली जानवरों की दिखाई देने की खबरें हैं। कुछ जगहों पर सीसीटीवी कैमरे में भेड़िए और तेंदुए जैसे जानवरों की तस्वीर कैद हुई है, तो वहीं श्रावस्ती के मलवरीय गांव में भेड़िए ने एक भैंस पर हमला कर दिया। वन विभाग की टीम ऑपरेशन में जुटी हुई है। वहीं पीलीभीत में तेंदुए की दहशत पसरी हुई है। यहां के तिरकुनिया नसीर गांव में तेंदुओं के चहलकदमी से किसान डरे हुए हैं। तेंदुए ने धान के खेत में एक नील गाय को अपना निवाला बनाया है। जंगली जानवरों का जो आतंक है वो बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बिहार के गया के मकसूदपुर इलाके में जंगली जानवर के हमले में कई लोग घायल हो गए। हमलों के बाद वन विभाग की टीम एक्टिव तो है, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ पाया है कि ये शिकार भेड़िया कर रहा है या फिर वहाँ सियार मौजूद है। ऐसे में लोग बहुत ही दहशत में है। रात को काट उठ लेगा तो फिर यही सब डर है आपका। यार दादी से हो गया, यार दादी ने वो तो मरा गया था जो काटा ना उसको। भेड़िया है या सियार नजर में नहीं, फिर हम लोग आमने सामने जब देखेंगे तो उसका क्लियर कर देंगे। ठीक है, जब हमारे जाल में फंस जाएंगे, हम लोग आँख से देख लेंगे तो हम लोग इसको क्लियर कर देंगे। बिहार के गया में भी जंगली जानवरों के हमले से दहशत पसरी है। भेड़िये जैसे दिखने वाले जानवर का आतंक जिले के मकसूदपुर के इलाके में फैला हुआ है। बताया जा रहा है कि भेड़ियों का झुंड अब तक मकसूदपुर इलाके में 4 से 5 लोगों पर हमला कर चुका है, तो वहीं कई मवेशियों को भेड़ियों का झुंड निवाला बना चुका है। बीते दिनों एक महिला पर भेड़ियों ने हमला कर दिया था, जिससे महिला बुरी तरह से घायल हो गई। कौन सी था? सियार। सियार कितना दिन पहले काटा है? 8 तो हो ही रहे। 8 हो जुड़े। हालांकि जो हमले हो रहे हैं वो भेड़िये कर रहे हैं या सियार, इसको लेकर अभी संशय है। कुछ लोग इसे सियार बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे भेड़िया बता रहे हैं। क्या डर है भाई में, यहाँ क्या लग छिपा हुआ है? बहुत डर है यार, रात रात को काट उठ लेगा तो फिर यही सब डर है आपका। रात को निकलता है 6 बजे शाम को। क्या भेड़िया काट लेगा तो फिर डर है यही चीज़ का। कितना लोगों को काटा है यहाँ पर? 2-3 लोगों को काट लिया है। अच्छा, लोगों तो इलाज चल रहा है। वन विभाग की टीम भी अभी तक साफ नहीं कर पाई है कि हमलावर भेड़िया है या सियार, लेकिन इतना साफ हो चुका है कि मकसूदपुर के खंडहर नुमा इस किले को इन जंगली जानवरों के झुंड ने अपना ठिकाना बना लिया है। बताया जाता है कि ये किला करीब 300 साल पुराना है। अंधेरा होते ही भेड़िया यहाँ से गांव में निकलता है और ग्रामीणों पर हमला कर देता है। भेड़िया के रूप में हम लोग को सूचना मिला, ठीक है, हम लोग आए और इसके बाद हम लोग लगे हुए कल से, और लगने के बाद जो हम लोग कल ही आए, कल भी जाली लगाए केज, और केज लगाए, केज में मीट लगाए, इसके बाद फंसाने का हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। आज भी हम लोग लगे हुए हैं और 3 से 4 जाली लगा दिए हैं, ठीक है, नेट उट भी लेकर के आए, सब जगह लगा रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नज़र में नहीं आया। कहाँ पर छिपा हुआ है ये महाराजा का जो किला है, इस किला के अंदर में पुराना प्राचीन किला है और
खंडहर बना। पिछले 10 दिनों से मकसूदपुर किले से ये जानवर निकल रहे हैं, जिससे लोग डर के साए में जी रहे हैं। लोग डरे हुए हैं, उन्हें डर है कि ना जाने कब जानवरों का झुंड हमला बोल दे और जान चली जाए। जानवरों के हमले को देखते हुए लोग अकेले नहीं चल रहे, बच्चों को शाम के वक्त में घरों में रखा जा रहा है। जंगली जानवरों का डर यहाँ के ग्रामीणों के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। हमको बेटा कैसे करके लिया से बेटा को भागा तीनों इन्हें भागा रास्ता है पकड़े नहीं करता है यहाँ पर चढ़ता है ऐसे चढ़ता है एक दिन तो तीन चार दिन यहाँ पर सहमति पंपा हो दिए मोहमान बाकी भाग गया नीचे। दहशत के मारे गांव के लोगों का जीना दूभर हो गया है। गांव वालों का कहना है कि दो भेड़ियों की मौत हो चुकी है, एक को ग्रामीणों ने लाठी डंडे से पीट पीट कर मार डाला तो वहीं दूसरे को दर्जनों कुत्तों ने मिलकर शिकार कर दिया। हालांकि वन विभाग का कहना है कि जानवरों की कोई भी डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई है, जिससे साफ हो सके कि ये भेड़िया है या सियार। फिलहाल मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मकसूदपुर किले के अंदर और बाहर चार पिंजरे लगा दिए हैं, जहां पर भेड़ियों का आना जाना हो रहा है। अब बात गुजरात की करते हैं, जहां मौसम का मिजाज अभी भी बिगड़ा हुआ है। हालात ये कि सूरत में हजारों लोग फंसे हुए हैं, हर तरफ जलजमाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी, और इन सबके बीच लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, आपको दिखाते हैं। जहां तक नजर घुमाएंगे सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। नाव के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। सड़कें समंदर बन चुकी है, घर बार सब कुछ जलमग्न हो चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लोगों की जान बचाने में जुटी है। घरों में पानी का कब्जा किस कदर है कि घर के अंदर सैलाब में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए नाव को भी घर के अंदर तक ले जाना पड़ रहा है। भयंकर बाढ़ और सैलाब की ये तस्वीरें गुजरात के सूरत जिले की है, जहां बाढ़ का कब्जा ऐसा है कि बड़ी तादाद में लोग घरों में कैद हो गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सूरत में चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की एक तस्वीर देखिए। घर में इतना पानी भर गया है कि लोगों को बचाने के लिए घर के अंदर तक नाव ले जानी पड़ गई, जहां तीन महिलाओं समेत एक मासूम और एक ही परिवार के सात लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ के चलते हालात बेहद खराब है। सूरत में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जिले की किम नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। उसका नतीजा ये है कि शहर के रिहायशी इलाके कमर तक पानी में डूब चुके हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के सतना से आपको खबर बताते हैं, जहां पर विशाल तालाब फूटने से हाहाकार मच गया है। तालाब के पानी में कार और बाइक बह गई और सैलाब के बीच भी लोग अपनी जिंदगी जोखिम में डालने से बाहर नहीं आते। दो लड़के यहां फंस गए थे, जिसके बाद उनका तरीके से किया गया। हेलो, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन जरा ये देखिए हालात कैसे हैं। पानी की तेज धार है और पूरा इलाका मानो समंदर में तब्दील है। तेज रफ्तार में तालाब का पानी बहकर रिहायशी इलाकों में पहुंच चुका है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। दो लड़के बहाव में फंस गए, स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से इन्हें बाहर निकाला गया। एमपी के कई जिले इस वक्त बाढ़ बारिश की चपेट में हैं। ये बह गई गाड़ी। वीडियो बना वीडियो। पलट ही पलट ही। ना पलट। हेलो। शोरूम में दो बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और जो इसका वीडियो सामने आया है बहुत हैरान करने वाला है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे मिनटों में चोरों ने पूरा ज्वेलरी शोरूम ही खाली कर दिया। रात के अंधेरे में एक शोरूम के अंदर दो लोग दिख रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे से कुछ बात करते हैं। इसी दौरान उनमें से एक वहां से चला जाता है और सफेद शर्ट में दिख रहा शख्स फिर भी शोरूम के अंदर कुछ ढूंढता दिखता है। उसके बाद उसका दूसरा साथी भी वहां टॉर्च लेकर पहुंचता है और काउंटर में रखी ज्वेलरी को बाहर निकालने लगता है। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में दोनों बदमाश काउंटर में रखी सारी ज्वेलरी को साफ कर देते हैं। इसके बाद वो काउंटर के नीचे के हिस्से में रखी ज्वेलरी को निकालते हैं और वो भी बैग में भर लेते हैं। दोनों बदमाश ज्वेलरी शोरूम में रखी लाखों की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात का ये वीडियो उत्तराखंड के नैनीताल का है, जहां रात के अंधेरे में ज्वेलरी शोरूम में घुसकर दो चोर लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए। अगली सुबह जब शोरूम मालिक ने दुकान खोली तो चोरी की वारदात का पता लगा, जिसके बाद शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो चोरी का ये वीडियो सामने आया। चोरी की शिकायत के बाद फिलहाल पुलिस दोनों चोरों की तलाश में जुटी है।
उतरने के बाद कार में जो मौजूद शख्स था किसी तरह उसकी जान बची। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। आप सड़क किनारे खड़ी गाड़ी धू धू कर जल रही है। कार में आग इतनी भयानक लगी है कि पूरी ही कार जलकर खाक हो चुकी है। काले धुएं का गुबार भी उठता दिख रहा है। लखनऊ के आईजीपी चौराहे पर चलती कार में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा को देखते हुए चौराहे पर ट्रैफिक को रोक दिया गया, जिसके बाद रोड पर लंबा जाम लग गया। गाड़ी मालिक अपनी कार से गोमती नगर की ओर जा रहा था। चौराहे पर यू टर्न लेकर गाड़ी जैसे ही मुड़ी कार बंद हो गई। दोबारा स्टार्ट किया तो बोनट से धुआं निकलने लगा। उसने बोनट खोलने की कोशिश की लेकिन नहीं खुला। खतरे को भांपते हुए उसने गाड़ी में रखा सामान जल्दी जल्दी निकाला, लेकिन इतने में ही गाड़ी जलने लगी और देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी आगोश में ले लिया, जिसके बाद फायर फाइटर्स को सूचना दी गई, लेकिन फायर फाइटर्स के पहुंचने तक गाड़ी खाक में तब्दील हो चुकी थी। फिलहाल गाड़ी में आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।